एक बहुत गरीब आदमी था। वो एक खेत में काम करता था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो एक दिन बहुत अमीर बनेगा। उसको अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन वो अपनी वाइफ से बोलता था कि जिस दिन उसकी किस्मत चमकेगी उस दिन वो अमीर बन जाएगा। एक दिन वो खेत में काम करने जा रहा था, तभी रास्ते में उसको एक दोस्त मिला। उसने दोस्त को अपनी गरीबी के बारे में बताया। उसके दोस्त ने कहा कि उसको मदद के लिए राजा के पास जाना चाहिए। वो राजा के पास गया और मदद मांगने लगा। राजा ने उसको कहा, कल तुम सूरज ढलने से पहले हमारे महल में आ जाना, और जितने भी हीरे मोती धन तुम ले जा सकते हो उतना ले जाना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। वो बहुत खुश हो गया और घर आकर अपनी वाइफ को सारी बात बताई। वो बोला कि उन दोनों की किस्मत खुल गई, अब वो लोग अमीर बन जाएंगे। अगले दिन सुबह उठने के थोड़ी देर बाद ही उसकी वाइफ ने उसको याद दिलाया कि उसको राजा के पास धन लेने के लिए जाना है। वो बोला, अभी तो उठा ही हूँ, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। थोड़ी देर बाद फिर से उसकी वाइफ ने जाने के लिए बोला तो उसने कहा, अभी मुझे भूख लगी है, खाना खाने के बाद जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसको नींद आने लगी। 2 घंटे सोने के बाद वो उठा और अपने हाथ में कुछ बैग्स लेकर महल की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको तेज़ गर्मी लगने लगी और वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और 5 घंटे बाद उसकी नींद खुली। वो हड़बड़ाकर उठा और तेज़ी से महल की तरफ जाने लगा, लेकिन वो महल के अंदर घुस पाता उससे बस कुछ सेकंड्स पहले ही सूरज ढल गया और महल के दरवाजे बंद हो गए। उसको खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। दोस्तों, जो ये सोचता है कि अभी बहुत टाइम है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि टाइम कितनी स्पीड से चल रहा है। सोचने में तो 1 साल बहुत बड़ा टाइम लगता है, लेकिन 4-5 साल बैठे बैठे ही निकल जाते हैं, और निकलने के बाद लगता है कि अपॉर्चुनिटी तो चली गई। चांसेस तो सबको मिलते हैं लाइफ में, लेकिन टाइम पर एक्शन नहीं लेने वाले की किस्मत कभी नहीं खुलती। समय बीत जाने के बाद उसकी कदर की जाए तो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। टाइम के बारे में लॉन्ग टर्म सोचने में नुकसान होता है। जो काम एक दिन में हो सकता है उसके लिए 10 दिन भी लगाए जा सकते हैं। 10 दिन में करने वाला बस ये बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए देर लगी। टाइम तो सबके पास बराबर ही होता है, लेकिन कुछ लोग जल्दी काम पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग देर लगाते हैं। इसका कारण है प्रायोरिटी। ऐसे काम जो ज़रूरी नहीं है वो करने में बहुत टाइम निकल जाता है। हमको लगता है कि हम दिन भर बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर लगता है कि ज़रूरी काम तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि दिन भर बिना सोचे समझे काम करते रहने से टाइम वेस्ट होता रहता है। अगर वो गरीब आदमी पहले महल जाकर धन ले आता तो उसके पास पूरा दिन ही नहीं पूरी ज़िंदगी होती खाना खाने और आराम करने के लिए। बाद में उसके पास सोने के लिए बहुत टाइम होता, लेकिन उसने पहले वो काम किए जो महल जाके धन लाने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे। जैसे डेली रूटीन चल रहा है उसको वैसे ही चलने मत दो। थोड़ा पॉज करो लाइफ को और सोचो, और सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करो। कुछ दिन ऐसा करने के बाद आपको लगने लगेगा कि आपके पास टाइम की कमी नहीं थी, बल्कि टाइम का मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे थे। सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके आओ, टाइम के साथ चलो, पीछे नहीं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।